जयंती जी वणक्कम। मधिपिर कुरिया मान्बी मिगु भारत प्रधमर अवरगलुके यंगलुडैय मनमार्न्द नन्रिगल। दिंडकल मावट्टम आतूर वन्रियम एन पंजमटिलंद जयंती ना वंदे 2006 ला वंदे इंडसैवा पेंगल सुयोदविकुलुल ओर मेंबरा सेंदे एन्नोड़ एन्नोड़ उरिपिनर्गलेय वाल्वादारत्तला मुन्नेट्रनुंगरदुकाग बैंकला आर मुरै कडन वांगी आड़ वलर्तल माल वलर्तल पोंड्र तोलिल्गल ला वंदे अवंगला ईडुपडुत्ति एंगलोड़ वरुमानत्ता नांगा पेरुक्किट्टोम। 2010 ला वंदे इंदे प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट्टा वंदे नांगा स्टार्ट पन्नोम। इदला वंदे ना मैनेजरा वर्क पन्रेन। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयंती दिंडिगल तमिलनाडु दिंडिगल पंचमबटी से हूँ। मैं सन 2006 में इंडस आईवा नामक समूह से जुड़ी। इस समूह से मैं और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। எங்களோட கிராமமும் எங்களோட சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கிராமங்கள்லையும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்னால பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலையும் சுற்றுப்புறம் மாசுபட்டு காணப்பட்டுச்சு. இதை நாங்கள் வந்து எஸ்ஆர்எல்எம் உதவியோட இந்த யூனிட்டை வந்து 2010 நாங்கள் ஒரு 36 பெண்களை கொண்டு அமைச்சிருக்கோம். இதற்கு முதலீடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷெட்டரிங் மிஷின் ஒரு கிளீனிங் மிஷின் ஒரு மெல்ட்டிங் மிஷின் 3 மிஷினை வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் நாங்கள் வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்லேருந்து இதை தரம் பிரித்து இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளாக அரைச்சு நாங்கள் தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்கள் கொடுத்துட்டு வரோம். கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நாங்கள் 32 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து இதை அரைச்சு டிஆர்டிஏவின் உதவியுடன் பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சார் சார் 2010 ஹம்ன ஏ பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் யூனிட் கா ஸ்தாபனா கி ஹமாரி பிளாஸ்டிக் வாதாவரண சமஸ்யா கே லியே हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दिया कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपये से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन आजीविका मिशन के अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 10,80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब डीआरडी को भेजे हैं जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்து கிலோ நாங்கள் 5 ரூபான்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரித்து சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தாரோட பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்கள் யூனிட் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இது வரைக்கும் 102 டன் வந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் வந்து உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சுருக்கோம். இதனால வந்து எங்களுடைய யூனிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அரசிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சார் ஹம் பிளாஸ்டிக் கோ 5 ரூபாய் 1 கிலோ 5 ரூபாய்க்கு பாவமே ஹம் கரீதே ஹே ஓர் இஸ்கா பூரா ப்ராசஸிங் கே லியே 15 ரூபாய் खर्चा होता है। हम 1 கிலோ 30 ரூபாய் के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखियों को सभी आपकी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ आप तमिल में बोलिए, आप तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में ताकि बाकी सब बहनें भी सुने। प्रधानमंत्री सर उनके எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்றாங்க। இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் சார் போலீஸ் சார்
आप हिंदी में बताइए क्या बताया। नहीं, यह आपका फिर से धन्यवाद कर रही है। अच्छा, देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का विचार, ये आपके मन में कैसे आया? यानी थोड़ा ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்க எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சு தூய்மை கிராம விருது எங்க பஞ்சாயத்துல நாங்க வாங்கினோம். அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பதனால இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்க இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சார் ஹமே ஏ சுஜா ஆஜீவிகா மிஷன் தியே தே उसके सुझाव से ही हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया। अब तो भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि रास्ते में बनाने में प्लास्टिक का उपयोग करना, और उसके कारण बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो सभी बहनें अगर इस काम को करेगी तो बहुत फायदा होने वाला है। स्वयं सहायता समूह से इतनी सारी बहनें आपके यहाँ काम कर रही है, क्या कभी उनके साथ बातचीत होती है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या संतोष आया? रोड तो बन गए, गंदगी भी दूर हुई, प्लास्टिक भी गया, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या रोशनी आई, उसकी कभी बातें होती है? आपकी बहनों का कोई उदाहरण बता सकती हो आप मुझे? எங்களோட சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ஒரு தொழிலாளியாவும் இருக்கோம், இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்க முதலாளியாவும் ஆயிருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு, பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாத்தையும் நாங்களே பாத்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு. சார் இசே ஹம் பெஹலே தோ ஹமாரே குச் காம் தாந்தா குச் நஹீ தா, அப் தோ ஹம் மஹீனே மே 8000 கமாதே ஹே, इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं। पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं है। हम जो हम अब जयंती जी, आपका स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्य पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किए गए प्लास्टिक से करीब, जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमीटर की सड़क बनी है, ये छोटी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर गांव ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर पाएंगे। मेरी तरफ से जयंती जी, आपको, आपकी सभी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, वणक्कम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।